hello guys welcome back to this channel guys in this video we are going to talk about Vodafone Idea limited but before starting this video I would like to request you if you are visiting this channel for the first time make sure to hit the subscribe button and press the bell icon here by that to get notification for each videos तो सबसे पहले हम बात करेंगे कल यानी ट्यूजडे के दिन किस तरीके की सिचुएशन रही तो एन के ऊपर अगर हम देखें तो 10.80 की ओपन प्राइस के बाद 11.15 का हाई बनाता है और लो नहीं बनाता वहीं अगर हम बात करें लोअर प्राइस बैंड की तो 9.70 का लगा था वहीं अपर प्राइस बैंड 11.80 का लगा था 52 वीक लो अगर आप देखें तो 2.70 का है और 52 वीक हाई है इसका 13.80 का टोटल अगर वॉल्यूम ट्रेडेड की बात करें तो एन के ऊपर 228.7 मिलियन और 22 करोड़ 87 लाख लैख एटी फोर थाउजेंड ट्रेड होती हैं जिसमें से 54.06 परसेंट के आसपास की डिलीवरी तो अगर आप ध्यान से देखें तो डिलीवरी परसेंट जो है 54 परसेंट से या 50 परसेंट से ज़्यादा है इट मीनस दैट कि काफ़ी से ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर बुलिश हैं इसको लेकर के पॉजिटिव देखते हैं इसके अलावा अगर आप बस के ऊपर टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करेंगे तो सेवन करोड़ सिक्सटी वन लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड नाइन्टी फाइव क्वान्टिटीज़ ट्रेड होती हैं जिसमें से थर्टी परसेंट के आसपास की डिलीवरी यहाँ पे भी उठाई जाती है क्लोजिंग प्राइस की जब बात करें तो एन के ऊपर एलेवन के ऊपर क्लोजिंग देता है वहीं बी के ऊपर एलेवन की क्लोजिंग देता है वहीं एन पे सी एलेवन की क्लोजिंग देता है जो कि टू ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में टोटल मार्केट कैप देखें तो आज की डेट में थर्टी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और आने वाले टाइम में अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जाती है तो मार्केट कैप डेफिनेटली उसी रेशियो में ऊपर ही भागेगा गाइस आप लोगों से मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करना करने वाला हूँ इस वीडियो में तो चलिए सीधे मेन पॉइंट की अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर फंड को रेज करने के लिए इसके बोर्ड ने बोर्ड की मीटिंग में अप्रूवल तो दे दिया था लेकिन जो फंड रेज करने के लिए जो कंसोर्टियम और लेंडर्स हैं उनको एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी कंपनी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था और उसी को लेकर के वो मीटिंग अभी तक कंक्लूड नहीं हुई है उस मीटिंग को कंक्लूड करने की फ़ाइनल डेट रखी गई थी थर्टी जनवरी ट्वेंटी लेकिन हुआ क्या बोर्ड की मीटिंग बोर्ड बोर्ड की मीटिंग थी और कंपनी के क्वार्टर थर्ड के रिज़ल्ट को अनाउंस किया जाना था तो इन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए जो ड्यू ड्यूडलिजेंस था कॉन्सोडियम ऑफ लेंडर्स और uh, जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है इनके बीच में जो टॉक्स चल रही थी उस टॉक को बेसिकली एक्सटेंड करके ट्वेंटी एट्थ फैप ट्वेंटी ट्वेंटी वन को कर दिया गया था लेकिन ट्वेंटी एट्थ फैप ट्वेंटी ट्वेंटी वन इज़ द डेट फॉर अनाउंसमेंट ऑफ दिस नो इट्स नॉट कंपनी ने यह कहा था कि ट्वेंटी एट्थ फैप ट्वेंटी ट्वेंटी वन इज़ द लास्ट डेट उससे पहले पहले हो सकता है कि ये अनाउंस कर दिया जाए फाइनल जो डील है क्लोज हो सकती है लेकिन अभी भी आपको मैं बताना चाहूँगा इसको लेकर के किसी भी तरीके की अपडेट मार्केट में नहीं है अभी ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं आज ट्वेंटी फोर्थ है ट्वेंटी फिफ्थ ट्वेंटी सिक्स दो दिन मार्केट ओपन होगा एंड देन ट्वेंटी सेवन्थ को आपको पता है सैटरडे है एंड देन ट्वेंटी एथ को संडे है तो इन्हीं दिन में दो ही तीन दिन के अंदर अगर कुछ होना होगा तो होगा दरवाइज ध्यान से सुनिए नहीं होना होगा तो ऐसा नहीं है कि नहीं होने हो, नहीं होना होगा तो होगा नहीं ऐसा भी हो सकता है कि इस जो बोर्ड ही जो ये मीटिंग का कंक्लूजन है ये कंक्लूजन आपको 28 फेब से पहले पहले ना मिले ऐसा भी हो सकता है कि ये कंक्लूजन 31 मार्च तक एक्सटेंड करके कर दिया जाए ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये डिले हो इस प्रोसेस में क्योंकि फ़ंड को रेज़ करने की बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा जितना जल्दी से जल्दी फ़ंड रेज हो जाए उतना ही कंपनी के लिए बढ़िया होगा बेटर होगा बट कुछ पॉइंट्स को देखते और सोचते हुए मुझे लगता है कि आपको पहले से रेडी करना बहुत मैं ज़रूरी समझता हूँ मैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर आपका ध्यान जो है अट्रैक्ट करना चाहूँगा पहला पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर ये डिसीजन आ जाता है कि थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन ये वही डेट है जिस डेट को कंपनीज़ अपने रिमेनिंग एच आर ड्यूज़ का टेन परसेंट पे करेंगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में तो इस केस में जो ये जो इस एक्सक्लूसिव जो टॉक्स हैं ये टॉक का डेफिनेटली यू नो एक्सटेंड होना तय है क्योंकि तो जो कंसोर्टियम ऑफ लेंडर्स हैं डेफिनेटली इसके ऊपर वो किस एंगल से देखते हैं इट इट टाइम ही उसको सही से बता पाएगा दूसरा पॉइंट ये है दूसरा पॉइंट ये है कि स्पेक्ट्रम को ऑक्शनिंग की लेकर के जो बातें चल रही हैं फर्स्ट मार्च 2021 से स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग शुरू हो रही है एक इम्पोर्टेंट स्टेप है एक इम्पोर्टेंट इवेंट है तो इस इवेंट का भी इम्पैक्ट क्या होगा कंपनी के मैनेजमेंट और कंपनी के स्टॉक प्राइस की परफॉर्मेंस के ऊपर ये भी देखना बनता है तो यहाँ पे बेसिकली मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग रेडी रहो अगर इन केस इफ़ इन केस मैं ऐसा इफ़ लगा रहा हूँ ऐसा नहीं कि ऐसा होने जा रहा है इफ़ अगर ऐसा होता है कि कंपनी की जो ये फाइनल कंक्लूजन है फ़ंड रेजिंग को लेकर के अगर इसको थर्टी फर्स्ट मार्च तक एक्सटेंड कर दिया जाता है उस केस में मुझे लगता है कि आपको शायद इसके अंदर बाइंग करने की या फिर लपकने की आपको एक इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारे इसमें तीन तीन इवेंट्स का इम्पैक्ट होगा और ये डेफिनेटली काफ़ी आपको नीचे फ्लोट करता हुआ मिलेगा और उसी जगह पे आपको लपक लेना है अगर आप फ्रेश पोजीशन चाहते हो उस सिचुएशन में भी आपके लिए बेस्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी या फिर अगर आप एवरेजिंग करना चाहते हो उस केस में भी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी ऐसा मैं प्रिपेयर रहने के लिए कह रहा हूँ आपको तैयार रखने के लिए कह रहा हूँ ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होने जा रहा है ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ना हो राइट right? क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर हो भी जाता है ऐसा और आपको ना बताया जा ना बताया गया होता तो फिर आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि, कि किसी ने इस तरीके की बातें जो है बताई नहीं थी कोई अपडेट नहीं किया था राइट right, तो इस तरीके की भी सिचुएशन हो सकती है उसके लिए आपको बेटर होगा कि पहले से तैयार रहिए और एक चीज ये भी आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर ऐसा हो जाता है इसको आपको नेगेटिवली नहीं देखना है बल्कि आप इसको पॉजिटिवली देखिए एक एक पॉजिटिव एक, एंगल से देखिए तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका होगा जिस मौके का आप फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि आज की डेट में अगर ऐसा नहीं होता है कंपनी अगर मान लीजिए ड्यू डिलीजेंस कम्पलीट हो जाती है इनके एट्थ ट्वेंटी एथ फैब से पहले पहले उस केस में आपको क्या आपको लगता है कि आठ के ऊपर आसपास मिलेगा आपको लगता है कि नौ के आसपास मिलेगा बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको ये सीधे चौदह पंद्रह सोलह के आसपास पहुँच जाएगा फिर आप क्या करोगे फिर आपके लिए एक मौका आपके हाथ से निकल सकता है तो इस पॉइंट ऑफ प्राइस के ऊपर आप चाहें तो बाइंग करें और चाहें तो ना करें मैं उसके ऊपर किसी तरीके की कमेंट्री नहीं करूंगा क्योंकि अगर इस पोजीशन पे बाइंग करते हो उस केस में अगर नीचे आता है किसी कारण की वजह से तो आप जो है पछताओगे अगर इस पॉइंट के ऊपर बाइंग नहीं करते हो और आने वाले टाइम में अगर ये मूव करके चौदह पंद्रह के आसपास चला जाता है उस केस में भी आप पछताओगे कि पहले मैंने बाइंग क्यों नहीं किया तो दो बातें एक साथ दोनों पैरल आपके सामने खड़ी हैं और इन दोनों पैरल बातों में जो आपको ज़्यादा इफेक्टिव लग रही है उसके अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन को चूज कर सकते हैं दोनों बातों को सामने रखना मुझे लगता है कि काफ़ी आपको जरूरी बताना जरूरी था सो दिस इज ऑल फॉर दिस इन्फॉर्मेशन गाइज आई होप यू लाइक डिट इफ यू लाइक डिट प्लीज़ गिव थम्स एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ओपन डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट देर इज अ लिंक फॉर यू इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो क्लिक ऑन दैट लिंक टू ओपन अकाउंट इन एक्स्टॉक सो यू नेक्स्ट टाइम टेल दिन टेक केयर